राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। बिल्कुल गलत, उनके समय में सारी चीनी मिले बंद, गेम्स बंद था, फर्टिलाइजर बंद था, सारे चीजें यहाँ हुए तो रोजगार बढ़ा घटा। चीनी मिले हर काम होता है, नाम देके काम नहीं होता, काम हो रहा है। जनता को जो है नाम पे नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये चीज वो चीज, हर सुविधा नाम बदला ही जाएगा। अच्छा, ये बदलाव किस लिए? इसलिए कि रोजगार ही बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रोजगार दिया जाएगा, बच्चे नहीं बनेंगे, नहीं मकान भी टूटेंगे। तो इस बात को सरकार, सबके सरकार की वजह से नमस्कार। राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। इस वक्त हम गोरखपुर के हजारीपुर मंडी में खड़े हुए हैं। आपको बता दें, ये फूल मंडी कही जाती है। यहाँ पर खुशी हो या गम हो, यहाँ से फूलों की माला जाती है। आपको एक चीज़ और बता दें, ये योगी का गढ़ भी है। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, हमारी टीम यहाँ बनी हुई है राजपत्र टीवी। और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने यहाँ से सिर्फ सांसदी का चुनाव लड़ा था, अब पहली बार वो विधायक का चुनाव लड़ने वाले। वहीं शुभामती शुक्ला भी यहाँ से खड़ी हुई है, चंद्रशेखर रावण भी खड़े हुए हैं, और भी सभी पार्टी के लोग यहाँ से खड़े हुए हैं जो अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने यहाँ पर भीम आर्मी उतार रखी है। उनका कहना है कि इस बार गोरखपुर की जनता बदलाव चाहती है और वो इस बार जीत कर ली। चलिए अब यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से हरा पाना क्या पॉसिबल है, क्या ये जो चेहरे खड़े हुए हैं क्या योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए काफ़ी है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो गोरखपुर की जनता और क्या चाहती है और किन मुद्दों पर वो चुनाव में वोटिंग करेगी। वो ये चाहेगी कि इस बार इन मुद्दों पर वोटिंग हो और जो उनके काम थे, जो यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सब कुछ जानेंगे। आइए चलते हैं। और कैसा मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, ये भी हम जानेंगे। यहाँ से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये बताइए, इस बार आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ देख कर वोट करेंगे, क्या इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आप? उनके काम से आप संतुष्ट हैं? अच्छा, यहाँ पर चंद्रशेखर रावण भी आए हैं, सोमवती शुक्ला भी खड़ी हुई हैं, तो आपको लगता है कि ये चेहरे यहाँ पर योगी के गढ़ में योगी को हरा पाएंगे? मतलब कि योगी आदित्यनाथ के काम से कहीं ना कहीं खुश हैं। और भाई साहब का नाम मधुसूदन जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार कुछ बदलाव देखा जाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। देश में बदलाव हो ही रहा है, जो हो रहा है ठीक, क्या देखना, सही चल रहा है, सब कुछ सही है। आप क्या डेवलपमेंट से खुश हैं? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आप उन सबसे खुश हैं? आपको नहीं लगता महंगाई कम होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बेरोजगारी कमी है, जितना पहले से था उतना चल रहा है। जी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा बोल नहीं होता है। अच्छा, आप एक बिजनेसमैन भी, आपको क्या लगता है कि बिजनेस पहले ज़्यादा बेहतर चल रहा था कि अभी ज़्यादा बेहतर है? किस तरह का आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना आया, उसके बाद काफ़ी दिक्कतें हुई। आपको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हम लोग को कोरोना काल में दवा के काम में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। और देश जब सारा इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, सर्वे जब देश डेवलप करेगा तो बिजनेस भी डेवलप करेगा। सही बात है। तो चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या योगी आदित्यनाथ के काम से खुश हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से खुश हैं, यहाँ के विधायक से खुश। भाई साहब, आपका नाम? चलिए, शर्मा गए, वोट जरूर करेंगे लेकिन शर्मा गए। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? जितेंद्र जी, ये बताइए कि किस बार आप क्या देख कर वोट करेंगे और क्या आप बदलाव चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि विकास सरकार ने किया है और विकास के नाम को दिया है। पुनः सरकार बनाना चाहते हैं ताकि जो पिछला सरकार की ढूंढ रही थी, जो भी थी और प्राइवेट लिमिटेड थी, उन लोगों के बीच में से पहली सरकार है जिसको प्राइवेट लिमिटेड ये सबके बारे में सबका साफ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि हाथरस कांड उठा रहा है, आप देख लीजिए लखीमपुर कांड उठा रहा है, कह रहा है गुंडाई इसमें चरम पर थी, योगी राज में चरम पर है, जो आपके सुरक्षा व्यवस्था वो सही नहीं है, तो इन सब मुद्दों को भी वो गिना रहा है और कह रहा है बेरोजगारी बढ़ गई है। उनकी ये कहना बिल्कुल गलत। उनके समय में सारी चीनी मिलें बंद थी, एम्स बंद था, फर्टिलाइज़र बंद था, सारे चीज़ यहाँ हुए, तो रोज़गार बढ़ा कि घटा? चीनी मिलें बनी और फर्टिलाइज़र हुआ, एम्स हुआ, तो रोज़गार बढ़ा ना, कहाँ घटा? और इस अच्छा ही बात तो सब लोग जानते आते हैं क्योंकि दंगा नहीं हुआ ना। हमेशा सुनिए थाना पर मारपीट हो रहा है, पुराने जगह घर कब्जा हो रहा है, ये सब सुनिए करते हैं। तो सुरक्षा ही सुरक्षा व्यवस्था ठीक है योगी राज में, और लोगों का कहना है कि जब सपा की सरकार थी तो वो चीज़ नहीं थी, वो सुरक्षा नहीं थी, लोग पहले डरते थे और लोग घरों में रहना, जो औरतें हैं, जो महिलाएं, वो घरों में रहना ही उचित समझती थी क्योंकि उस वक्त गुंडा राज ज़्यादा था। और भी लोगों उनसे बात करते। भाई साहब, आपका नाम? मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? आपको क्या लगता है बदलाव चाहिए? यहाँ के विधायक कोई काम कर रहे हैं? काम अच्छा हो रहा है? आप इनके काम से खुश हैं? एकदम खुश हैं। चलिए, काम अच्छा हो रहा है, इनके काम से खुश है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ये योगी का गढ़ भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को हराना इतना आसान नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहिए, क्या बोलते हैं। भाई साहब, आपका नाम? विजय कुमार जी, बताइए कि इस बार क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? योगी का गढ़ है, यहाँ पर चंद्रशेखर रावण योगी को हरा सकते हैं, शुभामती शुक्ला क्या योगी को हरा सकती है? क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी उन्होंने इतना काम किया है, अगला 500 कोर्ट देगा तो जो उनका द्वारा शिलान्यास हुआ है वो काम तभी ना पूरा होगा। हर साल 5 साल हम उतना बदलते रहेंगे तो मिल जाएगा, उद्घाटन करता रहेगा, काम करता रहेगा। अगले को 5 साल और दिया जाए ताकि वो आगे और विकास करें। अच्छा, लोग कहते हैं कि मायावती को भी 5 साल और दे दिया गया था तो मायावती ने वहाँ पर अपनी मूर्ति बनवा दी। जो रहता है वो करता है, उसमें क्या करना है? मूर्ति कोई बनवाई नहीं है तो नहीं। तो आपको लगता है कि अगर हम 5 साल और देते हैं तो योगी आदित्यनाथ के राज में काम होगा? काम होगा, वो ये नहीं कि वो चारों तरफा काम करेंगे। अच्छा, यहाँ के विधायक से आप लोग कितना? यहाँ के विधायक पढ़ने थे लेकिन ग्रामीण तो नहीं थे, बीजेपी सिंह नहीं थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो बीजेपी? हाँ, बीजेपी उन्होंने नगर विधायक ने उसका काम बहुत अच्छा किया, लेकिन ग्रामीण विधायक ने वो काम नहीं किया तो नगर विधायक ने काम किया है। और भी लोगों से जानेंगे। देखिए, ऐसा है कि विधायक अगर क्षेत्र का अच्छा होता है तो विकास होता है। मुख्यमंत्री यहाँ विकास करने नहीं आएंगे, विकास करने के लिए विधायक को अच्छा होना ज़रूरी है। और भी लोगों से बात करते हैं। तो आपका नाम? मुनीर अहमद अंसारी। अंसारी जी, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, योगी सरकार आएगी, ₹20 आना 100% योगी सरकार आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? लोग मुसलमानों को बांट रहे हैं। बांटने कोई बात नहीं है, यहाँ हर काम होता है, नाम देके काम नहीं होता है, काम हो रहा है। हाँ, जनता को जो है नाम पे नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ वो चीज़, हर सुविधा काम पे दे रहे हैं। सरकार यही आएगी, योगी सरकार नंबर 1 है, काम इन्होंने बढ़िया किया है और यही दोबारा भी आएगी। अच्छा, विपक्ष लगातार जो है बांटने की कोशिश कर रहा है, हाँ। हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश कर रहा है, हाँ। लगातार ये आरोप लगा रहा है कि योगी राज में जो मुसलमान थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आप डरे हुए थे? नहीं, हम भी तो मुसलमान हैं, डरे नहीं हैं। सरकार नंबर 1 है, सही है सरकार, कोई डरना नहीं चाहिए, किसी को नहीं डरना चाहिए, कोई ना डरे। अच्छा, ये आपकी पास? जी हाँ। अच्छा, आप हिंदू में रहते हैं, हाँ, और आप बात भी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कभी किसी से कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे वहाँ जो 80%, 95%, 90%, 80% केवल हिंदू भाई कस्टमर है। हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा चलता, एकदम नंबर 1। हम लोगों से कोई भेदभाव नहीं, फर्स्ट क्लास है, कोई भेदभाव नहीं है। बस ये सियासतदान जो है ये चीज़ों को खराब करने की कोशिश करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। आपने सुना कि इनका कहना था कि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, लेकिन जो है मैं योगी आदित्यनाथ को पसंद करता हूँ क्योंकि वो ये नहीं देखते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सबके लिए बराबर काम करते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। कुछ लोग हैं उन लोगों से भी जाने की मैं क्या और क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। भैया आपका नाम? इब्राहिम। फिर से बता दीजिए। इब्राहिम जी, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव होगा? गोरखपुर से तो नहीं होगा, बाकी उम्मीद है। बाकी उम्मीद है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बदलाव। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अभी बदलाव ही चाहेगा। अच्छा, ये बदलाव किस लिए आप चाहते हैं? इसलिए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब रोजगार चाहिए, अब रोजगार चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो दो लोग खड़े हुए, शुभामती शुक्ला हुई आपका और भी चंद्रशेखर रावण हुए, ये यहाँ पर आके योगी आदित्यनाथ को हरा सकते हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं हरा सकते। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस पर कुछ होगा इस बार? मतलब इस बार कोई बदलाव होगा? कुर्सी में उम्मीद है, देखा जाए। अब देखेगा क्या होता है। इंसान रोजगार की तलाश कर रहा है, उनका कहना है यहाँ तो मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ को जो बेरोजगारी है वो बड़ी है, तो रोजगार की बात करें और भी कुछ होने भाजपा अपना। चले जी, ये बताइए इस बार क्या बदलाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बदलाव देखेंगे या फिर आप लोग चाहते हैं कोई बदलाव? बदलाव क्या होगा, बदलाव जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए। आप क्या मौजूदा सरकार से खुश हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं इस बार ये चीज़ होनी चाहिए और मौजूदा सरकार को इस बार नहीं आना? खुश है। अच्छा, बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ी है, महंगाई भी काफ़ी बढ़ी है। देखने में आपको लगता है बेरोजगारी महंगाई बढ़ी, लेकिन इस पर कभी लग नहीं सकता है। समय के हिसाब से बेरोजगारी में अपने से लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जगह चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जब प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे भी जगह कम होती जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप शिक्षा का आजकल और टेक्निकली शिक्षा ज़्यादा आधुनिकरण ज़्यादा हो गया। हम प्राइवेटाइजेशन जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बहुत। अच्छा, कुछ कंपटीशन ऐसे है कि बच्चे अब बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की तरफ झुकाव भी रखते हैं। कहने के लिए है कि बता देंगे और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में भी जॉब आते रहते हैं। अच्छा, रही बात कि लोग कहते हैं, क्या होता है कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, धमाका हो रहा है। अरे किसके समय में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, हमेशा होता है। अभी तो कम से कम आपको वैकेंसियाँ मिल तो रही है, पहले तो वैकेंसियाँ ही नहीं थी। सही कह रहे हैं आप, पहले वैकेंसियाँ नहीं थी और अब वैकेंसियाँ मिल रही है। और भी कुछ लोग हैं। भाई आप तो भाग रहे हैं, एक मिनट रुकिए, आप लोगों से ही तो पता चलेगा। क्या नाम है आपका? पुनीत जी, ये बताइए इस बार आपको क्या लगता है, इस बार कुछ बदलाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? सरकार आएगी, मुझे विश्वास है। अच्छा, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? अच्छा, ऐसा भी है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई नेताओं को भगाया जा रहा है। लगता है कि क्या नाम है, जो किसान है, किसानों के मुद्दे पर उसने अच्छा काम नहीं किया या किया जाएगा, बच्चे नहीं बनेंगे, उसमें मकान भी टूटेंगे। सबको एक साथ खुश रखना सबकी सरकार की बस की बात नहीं है। एक साथ सबको खुश नहीं किया जा सकता है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो कुछ लोगों का कहना बदलाव होगा, कुछ लोगों का कहना नहीं होगा। अब और भी लोग उनसे बात कर। भाई साहब आपका नाम? राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बदलाव देखेंगे और गोरखपुर में? गोरखपुर में तो योगी है। अच्छा, यहाँ रहेंगे वही, और उत्तर प्रदेश में योगी आएंगे। उत्तर प्रदेश में? अच्छा, लोगों कहना है कि लोग जो मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन है वो टूट गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। भाई उसमें योगी जी की क्या करें, उसमें तो कोरोना का सबसे बड़ा देन। योगी जी तो गोरखपुर को देख के स्वर्ग बना दिए और यूपी को स्वर्ग बना रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कोरोना नाम की चीज़ नहीं, विपक्ष हमेशा कहता था कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं। क्यों, अखिलेश यादव को नहीं हुआ था कोरोना, या कोई मंत्री और कंट्री को नहीं हुआ कोरोना? आप देखिए तो बता रहे हैं आप, ऐसे नहीं कोरोना है। इस समय क्यों नया वेरिएंट आ गया? फिर वैक्सीन क्यों लगवाया, वैक्सीन लोग क्यों लगवा रहे हैं? आखिर ये बताइए। सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना को लेकर बड़ी सियासत हुई थी। अखिलेश यादव पहले कहते थे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये नरेंद्र मोदी की वैक्सीन है, ये योगी जी की वैक्सीन है। अंततः उन्हें वैक्सीन लगवानी ही पड़ी। दूसरी चीज़ ये कोरोना को लेकर यह भी भ्रम फैलाया जा रहा था कि नहीं ये सरकार के द्वारा बताई गई एक साजिश है जिससे सरकार सत्ता में आ सके, जिस इलाके में चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बाबा जी क्या नाम? हाँ आप ही नाम। अरे मालिक हो चाहे ना, वोट वोट देते हैं ना, आप सबसे बड़े मालिक हैं। हाँ अहमद खान जी, इस बार क्या लग रहा है आपको बदलाव होगा? हाँ उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहेंगे? अरे चाचा मुस्कुरा सोचा जाएगा, मतलब बदलाव देंगे आप। हैं बदलाव देना, चलिए चाचा बचाते हैं, बदलाव होगा। और भी लोग हैं। भाई साहब आपका नाम? फिर से बता दीजिए। राहिद। राहिद जी आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार कोई बदलाव दिखेगा? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार फिर से आने वाली है जैसे। अच्छा राहिद जी, मुसलमानों की बात की जाती है तो नाम सरफराज अहमद। हाँ सरफराज जी, जब मुसलमानों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों के हमेशा अगेंस्ट रहती है और वो हमेशा मुसलमानों को तोड़ने की राजनीति करती है। आपको क्या लगता है? आप डर का माहौल है, आपको क्या लगता है? आपको कभी डर का माहौल लगा? हमारा ठीक बगल में ही मेरा मंदिर के बगल में मेरा घर है, कोई जगह माहौल की कोई ऐसी बात ही नहीं। बताइए, योगी जी के मंदिर के बगल में जस्ट फिरोज सरफराज का घर है, लेकिन कोई डर का माहौल नहीं है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो सियासतदान लोग हैं ये बस भगाने का काम करते हैं। मुसलमान हर जगह खुश है, मुसलमान चाहे योगी का गढ़ हो चाहे किसी का भी गढ़, हर जगह खुश है। देखिए कोई दंगे नहीं हुए इतने सालों में, और लोगों ने बहुत कहा कि नहीं ये जो योगी सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर से सम्मान दिया जा रहा है, जैसे कई लोग कहे और भी लोगों को जानते हो कि उनकी राय क्या है। बिल बना रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? विशाल सैनी। ये बताइए आप चाहते हैं इस बार बदलाव हो? योगी जी रहेंगे गोरखपुर में कि उत्तर प्रदेश में? यूपी में। अच्छा आप लोग क्यों नहीं चाहते बदलाव? किस तरह का बदलाव आपने? विपक्ष तो कह रहा है ये सब हमारी अच्छा चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं नहीं इस बार गोरखपुर से हम जीत के दिखाएंगे। उन्होंने अपनी भीम आर्मी और शुभामती शुक्ला नहीं सिर्फ बाबा, मतलब बाबा सिक्का बाबा का चल रहा है। हाँ उत्तर प्रदेश में राजस्थान यूपी के गढ़ में सिक्का बाबा जी का चल रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं कि वो बाबा के अलावा किसी को देखना चाहेंगे या फिर नाम चल रहा है। भाई साहब आपका नाम? सुनील कुमार शर्मा जी, ये बताइए कि इस बार आप बदलाव देखना चाहते हैं? अच्छा लोग जितने बिजनेसमैन हैं वो खुश हैं। अभी हमने कई लोगों से खासकर गोरखपुर के जनता से बात की, तो क्या आप लोग बस इसलिए खुश हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं, हिंदू का मुद्दा उठाते हैं इसलिए खुश हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वही काम कर रहे हैं। खाना बनवाया अच्छा जो योजनाएं वो लागू करते हैं उन योजनाओं का आप लोग को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा बिजनेस में आपको घाटा नुकसान नहीं जो जैसे पहले चल रहा है? अरे भाई सबको कोरोना का बड़ा असर था भाई, सबके लिए ना पूरे वर्ल्ड के लिए तो आप लोग इस बार डेवलपमेंट देख के ही वोट करेंगे? तो इस बार विकास डेवलपमेंट ये सब वोट दिया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ये चीज़ आप समझ लीजिए कि विकास के नाम पर ही वोट करना चाहिए। आपको कौन के रूप में आप हिंदू हैं आप मुसलमान हैं इस नाम पर वोट नहीं करना, विकास सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि शिक्षा बेरोजगारी ये सब देखना भी ज़रूरी है कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट शिक्षा पर काम कर रही है, स्वास्थ्य पर काम कर रही है, बेरोज़गारी पर काम कर रही है। क्या बेरोज़गार जो पहले थे वो अब कम हुए हैं? तो गवर्नमेंट देखिए, कोई अगर गवर्नमेंट को पसंद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा रहा है। गवर्नमेंट को भी उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो और लोग हैं उनके बारे में, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, इनसे ही सरकार बनती है और इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गोरखपुर की जनता इस बार डेवलपमेंट पर वो वोट करेगी। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखेगी, जो यहाँ के मुस्लिम हैं वो भी डेवलपमेंट पर वोट करेंगे और वो देखेंगे कि क्या विकास हुआ है गोरखपुर के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी वो वोट करेंगे। कैमरामैन अमित पांडे के साथ मैं मनीष, राजपत्र टीवी, गोरखपुर।